मन को देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो यदि कंट्रोल समय पर नहीं किया तो ये तुम्हारा मन तुम्हारा नाश कर देगा। इसलिए मन को कहां लगाओ, ना लगे तो भी प्रभु के चरणों में लगाओ, भगवान को। कानों को कथा से जोड़ो, आंखों से भगवान के दर्शन से जोड़ो, हाथों को समाज की सेवा से जोड़ो, पांव को भगवान के धामों से जोड़ो, शरीर का प्रत्येक अंग अच्छे कार्य में लगाओ, सेवा करो, वरना तुम्हारा मन तुम्हें नचाएगा, ना सोने देगा, ना जागने देगा, ना जीने देगा, ना मरने देगा। आज लोगों का मन ही तो परेशान कर रहा है। आपको कौन परेशान करता है बोलो? मन। आप लोग मन का इलाज करो, और मन का सही इलाज क्या, कैसे मन कंट्रोल होगा, अब बता रहा हूं मैं। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए बताओ, कैसे कंट्रोल होगा मन मैया, कैसे? प्रैक्टिस, अभ्यास। कुएं पर रस्सी होती है, रस्सी से बार बार बाल्टी उतरती चढ़ती है तो कुएं के पत्थर पर निशान पड़ जाता है। जैसे दोहे पर पिरोया संतों ने कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार के घर्षण करने से पत्थर में भी रस्सी से निशान पड़ गया। आप एक काम करो, एक रस्सी लो और एक पत्थर लो, और रस्सी से पत्थर पर निशान बनाओ, कभी ना बना पाओगे आप। लेकिन वो रस्सी, कुएं की रस्सी अखंड चलती है तो धीरे 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 वो पत्थर को घिस देती है। अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास करने से अभ्यास इतना पावरफुल होता है कि जैसे एक मंदारी बंदर को अभ्यास करते करते वश में कर लेता है, बंदर को भी वश में किया जाता है ना मंदारी के द्वारा। जब एक मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, जब एक घोड़सवार घोड़े को वश में कर सकता है, जब सर्कस के लोग शेर और हाथी को वश में कर सकते हैं, तो ये मन किस खेत की मूली है, इसे आप क्यों नहीं वश में कर सकते? करने का मन हो तो सब होगा, करने का जुनून हो तो होगा, और नहीं तो गाते रहो महाराज जी, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये तो समस्या है। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, अभ्यास साधो। मन नहीं लगे तो भी लगाओ, पूजा में सत्संग में मन नहीं लगे तो भी लगाओ। आज नहीं लगता, कल नहीं लगता, परसों नहीं लगता, मन की कब तक चलेगी? आप अपने मन को एक दिन हरा देंगे। और याद रखो, एक प्रश्न का उत्तर दो, बताओ आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? कौन किसका गुलाम है, आप मन के या मन आपका गुलाम? कौन किसका, ये टोपी वाले भैया बताएंगे, कौन किसका गुलाम है? आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? मन आपका गुलाम है। भैया बताओ कौन किसका गुलाम है, आप या मन? आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं, आप बताओ, मन आपका गुलाम है, आप बताओ, मन हमारा गुलाम है। हाँ, यही उत्तर सही है, मन के गुलाम हम नहीं हैं, दो कौड़ी के लोग हैं वो जो मन के गुलाम बने हैं। अरे मन को अपना गुलाम बनाओ ना, मन आपका गुलाम है, लेकिन आपने इतना सिर पे चढ़ा रखा है उसके गुलाम बने बैठे। महाराज जी हम तो मन के गुलाम है, जहां चाहेगा वहां जाएंगे, जो दिखाएगा वो देखेंगे, वो देखेगा कि वो कहेगा कि मुन्नी बदनाम देखो तो हम वही देखेंगे, मुन्नी बदनाम हुई। वो कहेगा कि शीला की जवानी तो शीला की जवानी देखेंगे। आपका मन ही तो आपको भटका, और आप क्या कर रहे हैं, आप मन का सपोर्ट कर रहे हैं।